ठाकुर की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार की दमनकारी अराजकतापूर्ण तरीके से संसद भवन से राहुल गांधी जो कि वायनाड से सांसद हैं उनके संसद भवन से सदस्यता खत्म करने के अलोकतांत्रिक फैसले के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पानसेमल द्वारा आंशिक धरना प्रदर्शन किया जाकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना स्थल से कदम ताल करते हुए पुलिस थाना पानसेमल पहुंचकर थाना प्रभारी लखन सिंह बघेल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक चंद्रभागा किराड़ी एवं कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल सिंह राजपूत, खेतिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष पटेल, नानाजी एवं पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप राव, शितोले वीरेंद्र पंजोर, महेश शर्मा, शिवराम तरोले, टार्जन वांगरा, सरपंच मोंटा खेड़कर, दारा सिंह सोलंकी, घटिया ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा दारा सिंह फंबल ग्राम पंचायत के सरपंच दारा सिंह ब्राह्मण, धूर सिंह खेड़कर, प्रकाश सिंह खेड़कर, प्रकाश सिंह राजपूत, जुगनू लखा, मोतीराम सोलंकी, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह दरबार, जिला संगठन मंत्री नासिर खान, ताजुद्दीन चाचा, ब्लॉक मीडिया प्रभारी ज्ञानेश्वर लाड आदि ऐसे अनेक कांग्रेस के सदस्यगण उक्त धरना प्रदर्शन में उपस्थित थे। वंदे भारत के लिए ज्ञानेश्वर लाड की रिपोर्ट। महोदय, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज जो धरना प्रदर्शन किया उसके संबंध में बताइए। धरना प्रदर्शन हुआ है आज, ये धरना प्रदर्शन पूरे जिले में चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसके विरोध में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी यदि हमको जेल भरना पड़े, जो भी करना पड़े हमारे नेता के लिए, हम सब सर्वस्व तैयार है। छोटा कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी हम राहुल गांधी जी के साथ है। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम सतत अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ये हमारा पार्टी का सब नेता जो कह रहे हैं किस प्रकार से जनता के साथ हो रहा है, ये सब अन्याय, ये हम कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश का रखरखाव किया है। आज आने वाले लोग इस देश को बर्बाद करने के लिए तुले हुए, उसके खिलाफ हम सब खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।